नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हेल्दी भारत। दोस्तों, कुछ कुछ लोगों ने यह कमेंट किया है कि सर मेरा खांसी लगातार अभी 2 महीना से जो शुरुआत में था अभी तक है, यह कब तक रहेगा। देखिए, खांसी तो किसी किसी का 10 दिन में खत्म हो जाता है, जो भी सिम्टम है 10 से 20 दिन में लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन किसी किसी को परसिस्ट कर जाता है। वो डिपेंड करता है कि उनके लंग्स के अंदर उसका इन्फेक्शन कितना है। अगर ब्रोंकाई में हमारा इन्फेक्शन ज्यादा है तो हमें खांसी 2 महीना से लेकर के 4 महीने या 3 महीना तक भी रह सकती है, इसलिए चिंता ना करें। अगर ज्यादा कुछ खांसी होती है तो आप गर्म पानी करके नमक डाल लें और गार्गिल करें पर डे के हिसाब से सुबह दोपहर शाम, तो आप खांसी को कम कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक ये कहा है कि सर मेरा 2 महीना 3 महीना हो गया, बुखार नहीं जा रहा है, 1 दिन बीच करके या 2 दिन बीच करके लगातार बुखार आ ही जा रहा है। किसी किसी का यह भी कहना है कि हाँ सर डेली मुझे बुखार आ जा रहा है, मैं दवा 2 महीने से खा रहा हूँ। ऐसा आप चिंता ना करें, आपको भी ऐसा ही होता है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग है कि आपके इंटरनल इन्फेक्शन कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है कि बुखार कितना दिन तक आपको आएगा। अब बिना देखे हुए नहीं पता जा सकता कि हाँ आपको बुखार कितने दिन तक आएगा। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो कि दवा स्टार्ट किए और जो 5 दिन दवा खाए उसके बाद बुखार जो गया आज तक नहीं आया। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें परसिस्ट कर जाता है, यानी कि वह बहुत दिनों तक रह जाता है खांसी हो या बुखार हो। अगर आपको भी बुखार आता है 100-101 से ज्यादा होता है तो आप पैरास्टामोल का 650 mg या 500 mg दवा खा करके उसे कम कर सकते हैं, और रेगुलर वे में आप अपने MDR TB की दवा को खाते हैं तो आपको बुखार भी कुछ दिनों में ठीक हो जाए। ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग डिपेंड करता है कि उनका इन्फेक्शन उनके शरीर में कितना है उसके आधार। कुछ लोगों का कहना है कि सर अभी तक मेरा ब्लड आ रहा है। ब्लड देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ब्लड आने का बहुत से कारण होते हैं, जिसमें एक कारण है टीबी, और टीबी आपको डायग्नोज हो चुका है तो ऐसा नहीं है कि टीबी का दवा स्टार्ट हुआ और ब्लड आना बंद हो जाएगा। आपके लंग्स के अंदर कितना इन्फेक्शन अभी भी पड़ा हुआ है यह नहीं पता है। जो इन्फेक्शन ठीक हो रहा है, वहां पर का जो इंटरनल स्किन होता है, जो सेल होता है, वह भी बहुत कमजोर होता है। जब आप कस के खांसते हैं, छींकते हैं, तो वह ब्लड आने का चांस होता है और ब्लड आता भी है, इसलिए चिंता न करें। अगर बहुत ज्यादा ब्लड आता है तो आपको मैं पहले अभी बता चुका हूँ कि आप क्लॉट टेबलेट 500 mg खा लें, 1-2 दिन खा लें, वह तब तक ही खाएं जब तक के ब्लड आ रहा है। 2-4-10 टेबलेट आप अपने घर में मंगा कर रख लें कि कभी रात को या फिर किसी ऐसे इमरजेंसी टाइम में हुआ तो आप उसे यूज कर सकें, तो आपका ब्लड आना बंद हो जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन क्वेश्चन है वह है कि सर मेरा वेट कब बढ़ेगा, मैं वजन मेरा कम रहा है, उसके लिए मैं क्या करूँ। बहुत सारे लोगों का यह भी कमेंट रहता है कि सर भूख नहीं लगता है। आपके शरीर में 17, 18 और 20 गोलियां टैबलेट जा रही है जो कि इतनी महंगी महंगी है और इतनी कड़ी है, उसके वजह से आपको भूख नहीं भी लग सकती है। तो उसके लिए आपको कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कोशिश करें कि आप हरा सब्जियां जितना ज्यादा खा सकें वह खाएं। इसके अलावे आप सीजनल फ्रूट्स जो भी होते हैं, जैसे अभी गर्मी का समय है तो आप तरबूज खा सकते हैं, इसके अलावा आपको खीरा खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, तो इन सारी चीजों से भी हमें अच्छा खासा मात्रा में पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड वगैरह मिल जाता है, जिससे हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहता है और हमें भूख भी अच्छी मात्रा में लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण कि हमें खाने में क्या खाना चाहिए, तो आप जितना जो चीज आपको अच्छा लगता है आप खा सकते हैं। कोशिश रहे कि फास्ट फूड ना खाएं, बाजार की चीज ना खाएं, जो आपको मन है आप घर में बना के खा सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि सबसे ज्यादा इसमें प्रोटीन की जरूरत होती है, और प्रोटीन खाने के लिए हमें चना सबसे अच्छा स्रोत है और सबसे कम दाम में मिलता भी है। तो चना का उपयोग हम पर डे के हिसाब से करेंगे, चाहे तो चना का स्प्राउट बना के खा सकते हैं, या फिर मूंग का स्प्राउट बना के खा सकते हैं, या फिर चना का जो भूंजा आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। चना को जिस रूप में भी आप खाना चाहें खा सकते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा और वह आपके शरीर में लगेगा भी, आपका वजन भी बढ़ेगा। आपके भूख का लगना कम हो गया था वह भी बढ़ेगा। मैं कई बार कई वीडियो में बताया हूँ कि इसका उपयोग करें और आप चमत्कारी रिजल्ट पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप चना खाते हैं तो उसमें जो अंकुर हो जाता है, कोशिश रहे कि 2-3 दिन 4 दिन पर जो ज्यादा अंकुर हो जाए वह बना के खाएं, तो आपको और भी ज्यादा प्रोटीन मिलेगा और आप पहले से वजन आप देखेंगे कि आपका काफी बेहतर हुआ। किसी ने यह कमेंट किया है कि सर मुझे टीबी है, मुझे ताकत भी है, पहले से मैं ठीक भी हो रहा हूँ, तो क्या मैं घर का काम कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, आपको ताकत अगर मिल रहा है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो आप दवा खाएं और घर का सारे काम करें।
अब घर का काम करने के मतलब यह नहीं कि हार्ड वर्क करें, छोटा मोटा जितने भी तरह के काम है आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि हाँ 40 किलो 50 किलो वजन उठा लें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन घर का जितने भी तरह के काम है सारे काम आप कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट था कि सर शुरुआत में दवा जब मेरा स्टार्ट हुआ था उस समय तो मुझे ठीक हो गया था, खांसी बुखार सभी कुछ ठीक था, लेकिन फिर से इधर 2-4 दिन 10 दिन से मुझे खांसी काफी तेज आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दवा फायदा नहीं कर रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हाँ खांसी का आपको जिंदगी में कभी नहीं होगा, आपको जो टीवी वाला खांसी था वह तो ठीक हो गया है, लेकिन सीजनल जो खांसी है वह अभी भी आपको हो सकता है, इसलिए उसके लिए चिंता ना करें। अगर खांसी होता है तो कुछ नहीं, रात में आप थोड़ा सा 1-2 लौंग मुंह में रख लें तो आपको खांसी चली जाएगी। अगर बहुत तेज बुखार भी होता है तो आप पैरासिटामोल खा लें, क्योंकि बुखार को खत्म करने के लिए ये चारों जो चीज़ है ना, ये चारों का चारों दवाइयाँ जो खा रहे हैं या पाँचों या आठों दवा जो खा रहे हैं या सातों दवा जो खा रहे हैं, वो सारी की सारी आपका एंटीबायोटिक जो आपके बुखार को भी ठीक करेगी। इसके लिए इसके अलावा कुछ दवा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ वैसे व्यक्ति जिनका पहले से दवा चल रहा था वो ठीक हो गया, महीना 2 महीना के बाद फिर से खांसी हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो कभी ये दिमाग में नहीं डालना है कि हाँ हमको फिर से MDR हो गया या फिर से TB हो गया। आप सीजनल आपका बुखार हो सकता है, वायरल फीवर हो सकता है, वायरल खांसी हो सकता है, तो उस दौरान आप जनरल दवा का उपयोग करके घरेलू उपाय करके आपके अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं। हाँ मैं एक बात और बताना जरूर चाहूंगा कि अगर आपका दवा चल रहा है, टीबी का चल रहा हो या MDR का दवा चल रहा हो, तो कभी भी आप अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जैसे ही आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा दवा का जो असर है ना वह 50% नहीं बल्कि 10% भी सही से काम नहीं कर पाता है। तो आप इस दौरान जब आपका दवा चल रहा है तो अल्कोहल बिल्कुल ना लें, उससे आपको कमजोरी बढ़ेगी और दवा फायदा नहीं करेगा, तो फिर आप ब्लेम करेंगे कि हाँ हम दवा खा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। तो ऐसे व्यक्ति जिनको ये सारी आदतें हैं जैसे कि स्मोकिंग करते हैं या फिर उनको शराब पीने की आदत है, तो वह अपने इस दौरान ट्रीटमेंट के दौरान बिल्कुल बंद रखें, और मैं तो कहूंगा कि हमेशा के लिए छोड़ दें, क्योंकि अगर आप ये करते रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा और उसके वजह से आपको रिपीट होने का भी चांस रहेगा, क्योंकि आपने 100% दवा का इफेक्टिव नहीं ले पाया आपका शरीर, तो उसके वजह से भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल आप शराब का सेवन ना करें, धूम्रपान ना करें, सिगरेट वगैरह अगर पीते हैं तो उसे ना पिए। दोस्तों सबसे मेन प्रॉब्लम होता है कि अगर हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी का ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो उसमें हम फॉलोअप क्या कराएं। देखिए कुछ कुछ टेस्ट तो है कि हम लोग फॉलोअप कराते हैं, पल्मोनरी केस है तो हम स्पूटम से करा लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी में वैसा एक्स्ट्रा पल्मोनरी जिसमें हमें सैंपल रिपीट मिल सकता है तो उसका हम उस सैंपल से कर सकते हैं, लेकिन वैसा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जिसमें उनको सैंपल रिपीट नहीं मिलेगा तो उस दौरान आपको स्पूटम टेस्ट करा लेना चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम एक स्लाइड टेस्ट भी जरूर करा लें, क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा देखा जाता है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी पहले था उसके बाद फिर लंग्स में भी पहुंच गया, क्योंकि बैक्टीरिया इतना सूक्ष्म होता है, इतना छोटा होता है और इतना जटिल होता है कि हमारे किसी भी अंग से कहीं पर भी पहुंचने का वो क्षमता रखता है। यह बात अलग है कि बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है, कहने का मतलब अगर पल्मोनरी है तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी जरूरी नहीं है कि हाँ हो, लेकिन और यह भी जरूरी नहीं है कि हाँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी है तो फिर पल्मोनरी भी हो, लेकिन ऐसा रेयर में होता है कि किसी किसी का पल्मोनरी था और एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी हो गया, और किसी किसी का ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी था और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी हो गया। तो इन सारे केस में हम लोग फॉलोअप के टेस्ट में स्पूटम का ही टेस्ट करते हैं, जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है उनका नहीं भी करते हैं या फिर स्पूटम वो देते हैं तो स्पूटम का टेस्ट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी पेशेंट हैं MDR का हो या फिर ट्यूबरक्लोसिस का हो, सभी का एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे अपलोड करना होता है, तो उनको साक्ष्य के रूप में एक टेस्ट या फॉलोअप टेस्ट का दिखाना होता है, तो एक प्रोटोकॉल के तहत वह टेस्ट लिया जाता है। अगर आप देते हैं तो अच्छी बात है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी में अगर आप नहीं भी देते हैं तो चलेगा, दवा का कोर्स पूरा कर लेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट भी 100% कंप्लीट हो सकेगा। किसी व्यक्ति ने ऐसा कमेंट किया कि सर नारियल पानी पीते हैं इससे कोई हानि तो नहीं है। बिल्कुल हानि नहीं है, नारियल पानी पी सकते हैं आप, लेकिन कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को ऐसा होता है कि नारियल पानी पीने से उनको खांसी बढ़ जाता है, तो उस दौरान उनको बोला जाता है कि नारियल पानी ना पिए। वैसे नारियल पानी अगर आप पीते हैं तो उसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट अच्छा खासा मात्रा मिल जाता है, तो आपके कमजोरी वगैरह को भी दूर रखने में मदद करता है और आपके लीवर को भी वह तंदुरुस्त रखता है, ताकि आप सभी दवाइयां को सही से पचा सकें, आपके भूख को भी नॉर्मल करने में वह मदद करता है। गर्मी के मौसम में अगर सर्दी खांसी होता है उसमें नारियल पानी आप पीते हैं
तो हो सकता है उसके वजह से हो, तो उस दौरान आपको बंद कर देना चाहिए। वैसे सप्ताह में एक दो दिन ही भी ले लेते हैं नारियल पानी तो आपका काफी हद तक काम चल जाता है। इसलिए आपको नारियल पानी पीना अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमारा इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रहता है, हमारे शरीर को ताकत भी मिलता है, भूख भी लगता है, हमारा लीवर भी मजबूत रहता है। लेकिन अगर खांसी हो रहा है उसके वजह से तो आप नारियल पानी को बंद कर दें। सप्ताह में एक या दो नारियल पानी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति का यह कहना है कि खाना खाने की कितनी देर बाद आप दवा खा सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि खाना खाने के आप कितने देर बाद, आप जब भी खाना खाते हैं तो कम से कम 10 मिनट आधा घंटा बाद दवा स्टार्ट करें। दवा के खाने से हो सकता है कि उल्टी का प्रॉब्लम हो, तो अगर उस दौरान उल्टी अगर होता है तो आपका खाना भी बाहर आ जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि खाना खाने के 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटे बाद आप दवा का सेवन करें। दवा लेते हैं तो कोशिश करें कि दो टैबलेट अभी ले लिए तो 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर से दो टैबलेट लें। उस दौरान ज़्यादा पानी ना पिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी पियेंगे और पहले खा चुके हैं तो उसमें आपका पेट पूरा भर जाएगा, उसके वजह से भी उल्टी हो जाता है। तो उस दौरान हमें थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा देना है, 10 मिनट 15 मिनट पर दो दो टैबलेट तीन तीन टैबलेट करके खाना है तो हम अपना दवा को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ कितना समय एग्जैक्ट होना चाहिए, आधा घंटा या एक घंटा दो घंटा। आप आधा घंटे बाद भी खा सकते हैं, एक घंटे बाद भी खा सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर उल्टी का प्रॉब्लम है तो वो अपना सोच करके खाएं कि हाँ हम कितना देर में खाते हैं तो उल्टी जैसा महसूस होता है, उसके हिसाब से वह ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं। आपको दो घंटे के अंदर तीन घंटे के अंदर सभी दवाइयाँ खा लेना है। अगर नहीं पच रहा है तो आप 6 घंटे या 10 घंटे के अंदर भी दवा खा सकते। एक बात जरूर कहूंगा कि आप अगर टीबी का दवा खा रहे हैं, खास करके एमडीआर या एचडीआर का दवा खा रहे हैं, तो आप जरूर बीच बीच में अपना सीबीसी टेस्ट कराते रहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें कि हेमोग्लोबिन की कमी पाई जा रही है। हालांकि लॉन्गर रेजिमिन में लिनेजोलिड के वजह से हेमोग्लोबिन का कम होना ये आम है, लेकिन शॉर्टर में लिनेजोलिड नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि सर मेरा 5 ग्राम और 4 ग्राम तक हीमोग्लोबिन आ गया है, 7 ग्राम तक हीमोग्लोबिन आया है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन का कम होना आम बात होती है, लेकिन इस दौरान जब आपको खून की कमी हो और आपको टीबी भी हो तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो आप खाने पीने में सभी चीज़ का सही से उपयोग करें, जबरदस्ती भी खाना पड़े तो आप खाएं। हीमोग्लोबिन अगर कमता है तो यह एक सीरियस मैटर होता है, आप चिंता न करें। लेकिन एक व्यवस्था जरूर रखें कि किसी एक व्यक्ति को जरूर अपने साथ रखें, अपने साथ इन द सेंस कि आपके परिवार में आप अपने ब्लड ग्रुप का जांच करा लें, और जांच कराने के उपरांत आप देखें कि वैसे दोस्त में या कोई रिलेटिव है जो हमें ब्लड दे सकते हैं तो उनसे भी आप ब्लड ले सकते हैं। एक बोतल या दो यूनिट आपको ब्लड की जरूरत पड़ सकती है तो आप चढ़ा सकते हैं और अपने ब्लड की कमी को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं सारे क्वेश्चन का आपका जवाब दे चुका हूं। अगर और भी कुछ क्वेश्चन है आपके मन में तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।